नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धोरिया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को मानहानि के केस में बड़ा झटका लगा है। बेंगलुरु की एक कोर्ट ने जनता दल प्रमुख एचडी देवेगौड़ा को 10 साल पहले एक टीवी इंटरव्यू में नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर इंटरप्राइजेस के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए कंपनी को हर्जाने के रूप में 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, 10 साल पुराने मामले में अदालत ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया। बता दें कि एचडी देवेगौड़ा ने 2011 में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर इंटरप्राइजेस लिमिटेड पर कई तरह के आरोप लगाए थे। एनआईसीई ने इसे बेबुनियाद बताते हुए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। 10 साल तक ये मामला कोर्ट में चला, जिसके बाद मंगलवार को बेंगलुरु की एक अदालत ने देवेगौड़ा को निर्देश दिया कि वो एनआईसीई को 2 करोड़ रुपए दे। एनआईसीई ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। एनआईसीई ने 10 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी। इस मामले में हाल ही में देवेगौड़ा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने बचाव पक्ष को गवाही देने की अनुमति देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा की याचिका को खारिज कर दिया था। आपको बता दें, 88 साल के देवेगौड़ा देश के सबसे पुराने राजनीतिज्ञों में से एक हैं। उन्होंने 1962 में पहली बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव लड़ा था, जिसके बाद ये लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। वो 1996 से 1997 के बीच देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं खास तौर से कर्नाटक की राजनीति में देवेगौड़ा का नाम बीते कई दशकों से काफी अहम रहा है। वो 1994 से 96 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।